नमस्कार, सारा प्रणाम। मैं हूं निरंजन। खबर विशेष में आपका स्वागत है। खबर विशेष में आज हम चर्चा करेंगे, आज के हमारे मेहमान भारतीय जनता पार्टी के विधायक देवेंद्र फडणवीस से। आपका स्वागत है हमारे शो में। अभी विधानसभा का शीतकालीन सत्र चालू है और शीतकालीन सत्र के पहले दो तीन दिन तो पूरे एक हंगामे में चले गए। आखिरकार सरकार ने 1000 करोड़ के पैकेज की घोषणा कर दी, क्या आप वाकई में उससे संतुष्ट हैं? देखिए, ये पैकेज बहुत देरी से मिला है और ये पर्याप्त भी नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा कि सरकार ने कुछ नहीं दिया, सरकार ने 1000 करोड़ का पैकेज देने की कोशिश की है, ये भी ठीक बात है। लेकिन अगर हम देखें तो इनिशियल जो लॉसेस हुए हैं वो लॉसेस 5 लाख हेक्टेयर के हैं और फाइनल लॉसेस आने तक ये दुगना हो सकता है। ऐसे केस में अगर हम इस 1000 करोड़ को उसमें बांटे तो ये ध्यान में आता है कि 10,000 से ज्यादा पर हेक्टेयर मिलता नहीं है। और 10,000 जब हम पर हेक्टेयर की बात करते हैं, ऐसे समय आपको जो मतलब हॉर्टिकल्चर करने वाले किसान हैं उनको तो आपको कम से कम 15,000-20,000 उसमें से देने पड़ेंगे। तो उस केस में जो विदर्भ का किसान है, जो कोरोनवाहू जिसको हम कहते हैं, इस प्रकार का जो किसान है, इसको 2,000-5,000 से ज्यादा मिलेगा नहीं। तो इसलिए इस पैकेज से अगली खेती वो कर पाए या रबी का जो अभी हंगाम उसके हाथ में है उसमें वो कुछ कर पाए, ऐसा इसमें दिखाई नहीं पड़ता। दूसरा, पैकेज की घोषणा में तो साथ में ये भी कहा गया कि 24 दिसंबर को हमारे जो पंचनामे आएंगे उसके आधार पर हम ये पैकेज दे रहे हैं। तो इसका मतलब 24 दिसंबर के बाद इसका असेसमेंट, उसके बाद पैकेज का पैसा, वो बजट होना, वो पहुंचना, यानी रबी का हंगाम भी हमारे किसानों का अगर चला जाएगा तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें आवश्यकता ये थी कि इंटरिम रिलीफ के रूप में कुछ ना कुछ पैसा बिल्कुल सबको ब्लैंकेट देने की आवश्यकता थी, जो जिसमें सरकार चूक गई है मुझे लगता है जी। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि हम पिछले लगातार 3-4 सालों से देख रहे हैं, पहले हेलस्टॉर्म हुआ था, उसके बाद बयान का पिछले साल नुकसान भुगतना पड़ा, इस साल ये डिलेड मानसून का है, तो ये एक पैटर्न बनते जा रहा है। और ऐसी हालत में कुछ लॉन्ग टर्म पॉलिसी लेकर इसको सुलझाना चाहिए, ऐसा ऐसी आपको क्या लगता है? देखिए, ये जो नेचुरल डिजास्टर्स है इसके ओर देखने का हमारा अप्रोच बदलने की आवश्यकता है। आज दुनिया में मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स ये 1 साल के ट्रेंड्स देते हैं। आप यूरोपियन कंट्रीज में चले जाइए, आप चाइना में चले जाइए, आप साउथ ईस्ट एशिया की डेवलप्ड कंट्रीज में चले जाइए, यहाँ पर आपको बिल्कुल उस दिन कितने बजे बारिश आने वाली है, कितने बजे टेम्परेचर क्या रहेगा, इसकी एग्जैक्ट जानकारी मिलती है। ये 1 हफ्ते की मिलती है, 1 महीने की जानकारी मिलती है। तो हमारे यहाँ पर हम लोग मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट में इस प्रकार से व्यवस्था क्यों नहीं कर सकते कि हमारे किसानों को फयान आने वाला है इसकी हम जानकारी दें, हमारे किसानों को असमय बरसात आने वाली है इसकी हम जानकारी दें। और इसके लिए हमको इन्वेस्टमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। अगर हमारी एग्री यूनिवर्सिटीज जो ग्लोबल फैसिलिटीज है उसके साथ MOU भी कर ले, तो उन ग्लोबल फैसिलिटीज के माध्यम से, जैसे सुनामी का एक एशिया पैसिफिक का एक पैसिफिक ओशन में एक सेंटर अलार्म अर्ली वार्निंग सिस्टम वहां पर अपन ने रखी और सारे देशों ने उसको सब्सक्राइब किया, तो आज जब सुनामी आती है तो हमने देखा कि आज इंडोनेशिया में सुनामी में जान का भी नुकसान कम हुआ, माल का भी नुकसान कम हुआ, क्योंकि 15 दिन पहले उनको बताया गया कि सुनामी आने वाली है। तो इस प्रकार का अप्रोच हम क्यों नहीं कर सकते? मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे MOUs हम करेंगे तो हमारे किसान को हम ये बता पाएंगे, आज हम 2000 करोड़ रुपया हर साल या तो उसकी खड़ी फसल खत्म हो गई इसलिए उसको हम देने में हमारा जाता है मदद देने में, या फिर उसने बुआई की लेकिन बारिश ही आई नहीं इसलिए उसको दोबारा बुआई करनी है, ऐसी सारी चीजों के लिए 2 से 2500 करोड़ रुपया हमको हर साल देना पड़ता है। और ये केवल उसको थोड़ी सी मदद है, उसको जो ट्रॉमा झेलना पड़ता है, जो राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान होता है, इसकी ओर हम देखते नहीं। तो एक तो ये चेंज हमने करने की आवश्यकता है। दूसरा ऐसा है, हमारे यहाँ पर इंश्योरेंस जो है, क्रॉप इंश्योरेंस, ये क्रॉप इंश्योरेंस इज अ बिग फ्रॉड ऐसा मुझे लगता है। केवल कंपनियों को पैसा देने के लिए हम क्रॉप इंश्योरेंस करते हैं। हम लोग जब किसान कर्जा लेता है तो उससे इंडिविजुअल इंश्योरेंस का पैसा काट कर लेते हैं, लेकिन जिस समय उसका क्रॉप फेलियर होता है, जिस समय नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं, ऐसे समय हम लोग पूरे एरिया का सर्वे करते हैं और उस एरिया के सर्वे के आधार पर सबको मिलाकर कुछ ना कुछ पैसा दे देते हैं। तो इंडिविजुअल किसका कितना नुकसान हुआ ये हम देखते नहीं है। इसलिए क्रॉप इंश्योरेंस की पॉलिसी को हम लोग और थोड़ा सा स्ट्रेंथन करें और ये जो 2500 करोड़ रुपए हम दे रहे हैं उससे अच्छा 500 करोड़ रुपए करीब सरकार
अपनी ओर से क्रॉप इंश्योरेंस में अपना तरफ से कुछ प्रीमियम डाले, तो आज उसमें हम लोग किसानों को इस ट्रामा से बाहर निकाल सकते हैं और सरकार का काफी पैसा बचा सकते हैं। आज तो पैसा कंपनीज को जाता है, 5 साल का रिकॉर्ड देखिए, जितना पैसा किसान के कर्जे से काटकर हमने इंश्योरेंस में दिया उसके 10% भी किसान को वापस नहीं मिला। तो इसको इस प्रकार से थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन, कुछ अलग अप्रोच हम लेंगे तो ही हम लोग किसान को यहाँ फायदा दे पाएंगे। लेकिन सदन के अंदर जब चर्चा होती है तब हम ये देखते हैं कि अभी आपने जैसे क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम के बारे में बताया, क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम में कई सारे क्रॉप्स ऐसे हैं जिनका समावेश ही उसमें नहीं है, चाहे वो प्याज हो, अंगूर हो, कपास हो, ये उसमें है ही नहीं। तो ऐसी हालत में बेसिकली तो एक इंटीग्रेटेड क्रॉप इंश्योरेंस प्लान होने की जरूरत है, लेकिन खुद रूरल एरिया के विधायक उसके बारे में बात करते हुए नहीं दिखते हैं। देखिए क्रॉप इंश्योरेंस को तो आपको कंपोजिट, इंटीग्रेटेड और ब्लैंकेट करना पड़ेगा, उसके सिवा आप किसान को फायदा नहीं दे सकते। इसके ऊपर चर्चा बहुत बार हुई है, मुझे ऐसा लगता है कि विधायकों ने तो ये चीजें रखी है, रखनी भी चाहिए, पर उससे ज्यादा गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए। गवर्नमेंट को जब ये मालूम है कि हर साल इतना नुकसान होता है, नेचुरल डिजास्टर्स बढ़ रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग के कारण अभी नेचुरल डिजास्टर्स का रेट 3% हो गया है, तो जब नेचुरल डिजास्टर्स बढ़ रहे हैं तो इसका मिटिगेशन, मैनेजमेंट इज अ डिफरेंट इशू, मिटिगेशन ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स ये हमारे एजेंडे पर ही नहीं है। मैं जो सारी चीजें आपके सामने कर रहा हूँ इसके बारे में मैंने प्राइवेट मेंबर बिल रखा है, मैंने इसके बारे में चर्चाएं की है, सरकार ने अश्योरेंस दिया है ऑन फ्लोर कि ये सारी चीजें आप जो कह रहे हैं ये सही है, विल टेक सम एक्शन, लेकिन उस अश्योरेंस का अभी तक गंभीरता से विचार नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि हम जिस ढांचे में अपने आप को हमने अटका के रखा, ढांचे से कहीं ना कहीं बाहर निकलना पड़ेगा। दुनिया कहाँ जा रही है, मैं चाइना गया था, चाइना में मैंने एक नेचुरल डिजास्टर से प्रेजेंटेशन किया था, मुझे आश्चर्य लगा चाइना 1 साल का मेट्रोलॉजिकल डेटा, ये 1 साल का फोरकास्ट दे रही है और 50 साल के ट्रेंड दे रही है, 50 ईयर्स ट्रेंड दे रही है। और हम लोग जिस दिन कहते हैं कि बारिश आएगी उस दिन आती नहीं है, जिस दिन हम कहते हैं नहीं आएगी उस दिन आती है, हम किसानों को ट्रेंड्स नहीं दे पा रहे हैं, इन्फॉर्मेशन डिसिमिनेशन के सिस्टम में तैयार कर पाए, ये बदलना पड़ेगा। जी इस बारे में हम चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन अभी वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का।